नमस्ते दोस्तों, आज हम लोगों के पास सुकैन फैलकॉन इको इन्वर्टर आया है रिपेयर के लिए। तो इसका मोसफेट सब जल गया था, तो अभी हम लोग नया मोसफेट लगा रहे हैं। ये देखिए, ये सब पूरा जल गया है, ये सब जल गया है देखिए। तो अभी इसमें नया इंस्टॉल हो रहा है। देखिए यहाँ पे 47 ओम का एक रेजिस्टेंस भी जल गया है, इसको भी नया लगाना पड़ेगा। फिर लगा के रीडिंग वगैरह देखते हैं कितना क्या आ रहा है। का देखिए, ये है आपका, देखिए ये भी गेट ऐसी है, ये भी जल चुका है। देखिए ये, देखिए आपका ये गेट ऐसी है, ये भी पूरा जल चुका है। ये देखिए, ये आपका होगा 7390, ये भी जल चुका है, इसको भी बदलना पड़ेगा। नया ऐसी अभी बिठा लेते हैं, इसको थोड़ा अच्छा करके बिठाना पड़ेगा। और कुछ मैं रीडिंग भी दिखाने की कोशिश करूंगा, मॉस्फेट में कितना रीडिंग आ रहा है। डायोड मोड कर लेते हैं, देखिए रीडिंग चेक कर लेते हैं। 1400 करीबन आ रहा है, और आपका गेट में देख लेते हैं 46445। ठीक है, तो इस सेट भी देख लेते हैं सेम आ रहा है कि नहीं। 1780, और गेट देख लेते कितना आ रहा है। इस तरफ भी सही है, थोड़ा कम ज़्यादा दिखा रहा है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको पॉजिटिव साइड भी देख लेते हैं, ये देखिए कितना आ रहा है 451। इस तरफ देख लेते हैं 14 17 18 करीबन दिखा रहा है। और इस साइड भी देख लेते हैं आपका, इस साइड भी सही दिखा रहा है। तो एक काम करते हैं, अभी लगा के चेक करते हैं। देखिए ये आपका नेगेटिव लग चुका है, तो पॉजिटिव भी लगा लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव भी लगा लिया, तो अभी स्विच ऑन करेंगे। देखिए लॉन्ग बीप आएगा, फिर जाके ऑफ हो जाएगा। ऑफ हो गया, तो हम इसमें ऑन कर लेते हैं। ये वाला आपका स्विच ऑन ऑफ है, ये देखिए SW लिखा हुआ है, तो इसको शॉर्ट कर देंगे। ये ओवरलोड में चला गया, देखिए देखिए ये ओवरलोड में फिर चला गया। देखिए उसको खोल चुका हूँ अभी, तो इसमें अभी नया इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये भी खराब है। अभी इसमें ऐसी लगा चुका हूँ, देखिए गेट ऐसी, ये एक है आपका और ये एक है। और ये देखिए आप चारों मस पर तो लगा ही चुका हूँ, ये रेजिस्टेंस भी लगा चुका हूँ, तो ये भी ओवरलोड में जा रहा था एक ऐसी लगाने के बाद। ये तो पूरा जल गया था, मगर ये नहीं जला था, तो देखा था लगा के रीडिंग थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था रीडिंग में। देखिए 1400 पहले यहाँ पे कितना आ रहा था आपको रीडिंग, आपको रीडिंग दिखा देते हैं। ये देखिए, ठीक है ये देखिए आपका पहले रीडिंग आ रहा था इसमें कितना है 1800 1814। ठीक है, और आपका सोर्स में आ रहा है 451। ठीक है, यहाँ देख लीजिए ये नेगेटिव साइड है, और यहाँ पे देख लीजिए कितना आ रहा है 450। और देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, देखिए 18। अभी रीडिंग सही आ रहा है, ठीक है ना। पहले क्या था, एक में आपका 1400 करीबन आ रहा था, एक में 1800 करीबन आ रहा था, तब रीडिंग सही हो गया। पॉजिटिव साइड फिर भी एक बार देख लेते हैं, देखिए 447 447 447, और ये 1800 करीबन आ रहा है। तो इस साइड भी देख लेते हैं, देखिए 1800 करीबन 442। ठीक है, तो पूरा लगा चुका हूँ इसमें, तो अभी लाइन देके देखते हैं। देखिए ठीक है, तो ये लगा दिया, ठीक है पूरा लॉन्ग बीप दे रहा है। तो अभी इसको ऑन कर लेते हैं, देखिए अभी जो ओवरलोड का साउंड आ रहा था अभी चला गया। अभी हम इसमें गेट चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। ये देखिए ये नेगेटिव साइड है आपका, कितना रहा है देखिए 4.9। ठीक है,
और इस साइड देख लेते हैं सेट कितना आ रहा है। इस साइड भी देखिए 4.9 आ रहा है, ठीक है। दोनों ने क्लिप साइड में आपका 4.9, और आप पॉजिटिव साइड में देख लेते हैं कितना आ रहा है। ये देखिए तो इसमें आपका कितना आ रहा है, देखिए 10 10 वोल्ट करने वाला है। इस साइड भी शायद सेम आना पड़ेगा 10 वोल्ट। ये देखिए 10 वोल्ट आ रहा है, मतलब हम लोग का गेट पूरा आ चुका है, पूरा ओके हो चुका है गेट सप्लाई। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अभी हम लोग चेक कर लेते हैं इसको, फिटिंग कर दिया पूरा। देखिए देखिए आगे का लाइट आ गया, बीप मार रहा है। देखिए बैकअप ऑन हो गया, ये देखिए बैकअप मोड है। ये देखिए आपका बैकअप आ चुका है, मेंस देख लेते हैं अभी। देखिए मेंस आ गया, देखिए ये देखिए चार्जिंग भी शो कर रहा है, और उधर एम्पियर भी देख लीजिए। ये देखिए दोनों में एनालॉग डिजिटल दोनों में दिखा देते हैं। देखिए